प्रदेश सरकार के मंसूबे पर उनके माथा किस कदर पानी फेर रहे हैं ये देखने को मिला सिद्धार्थनगर जिले में। जी हां, जिले के पत्रा थाना क्षेत्र के शहरी गांव में इन दिनों खनन माफियाओं के कारनामे इस कदर है कि दिन दहाड़े हजारों ट्रॉली मिट्टी जेसीबी मशीन लगाकर 14 दिसंबर से ही कई एकड़ भूमि में खनन का काम लगातार कर रहे हैं, वो भी तब जब प्रदेश की मौजूदा सरकार अवैध कामों के रोकथाम के लिए नए नए कानून भी बना रही है। लेकिन खनन माफियाओं के हौसलों को देखकर यही लगता है कि ये कानून भी नाकाफी है इनके लिए। वही जब इस अवैध खनन के बारे में जिले के आला अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो अधिकारी कैमरे के सामने इस अवैध खनन पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बताते चले कि अगर गरीब किसान अपने जरूरत के लिए मिट्टी निकालता है तो उसे नियमों का हवाला दिया जाता है और परमिशन लेने के बाद कही जाती है। ऐसे में इस तरह से दिन दहाड़े खनन होने पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल के घेरे में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह खनन कराने वाले व्यक्ति कैमरे पर कह रहे हैं कि एक महीने से वो खनन जेसीबी मशीन लगाकर कर रहा है और मिट्टी को ट्रॉलियों से ईंट भट्टों पर सप्लाई कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि जिले के जिलाधिकारी भी किस तरह से इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। इससे ही यह अंदाजा लगा सकते हैं कि खनन करने वाले कितने बड़े रसूखदार हैं। 14 तारीख से खनन हो रहा है, लगभग एक महीने होने वाला है। हाँ, 14 तारीख से महीने से खनन होगा तो एक महीना हो जाएगा। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं आज खनन में, आप क्या कर रहे हैं? सर जी, हमारे पास इसका रियलिटी है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो इसका खोदने का मेरे पास आदेश है, भट्टे पे मिट्टी जा रही है। किसके भट्टे पे मिट्टी जा रही है? टिगड़ो भट्टे पे गिरा रहे हैं। आदेश किसका आपके पास? मेरे पास आदेश जो है, क्या कहते हैं इसके खनन के लिए आदेश है आपके पास, किसका है? जी, ईट निर्माता के जो महामंत्री है उनका आदेश है और कप्तान साहब का आदेश है, वो सब सारे कागजात मेरे पास मौजूद है, अगर जरूरत है तो आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा बताइए, कितने फीट खनने का आपको आदेश है, कितने फीट तक आप खन सकते हैं? अब इसकी जानकारी हमें नहीं है, कोई सरकार नहीं की है, कुल मीडिया पत्रकार जितने भी है, कोटेदार प्रधान और ये भट्टा वालों से पैसा वसूल रहे हैं, इसकी वजह से दौड़ दौड़ के लालटेन बार के अगर खोज रहे हैं, योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, बेगुनाह है, योगी सरकार जो कर रही है वो अच्छी कर रही है, अच्छी करेगी। अच्छा, यहाँ मामला मिट्टी खनन का है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये सही है, मतलब मछली पालने के लिए जलाशय तैयार किया जा रहा है, ना कि कहीं चोरी जम रही है, कहीं सरकार की जमीन नहीं जा रही है, भट्टे से खोदने के लिए भट्टे पे मिट्टी नहीं जा रही है, भट्टे पे मिट्टी नहीं जा रही है। अभी आपने एक लोग कहे हैं दिया कि भट्टे नहीं, वो बयान दे रही है। आप जो योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ ये कि योगी सरकार ने इसका कोई आदेश है खनन का आपके पास? कोई आदेश नहीं, मेरे पास कोई आदेश नहीं, मेरा कहते खनन का क्या आदेश हम लेंगे, मतलब मिट्टी आपकी भट्टे में नहीं जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भट्टे में नहीं जा रही है, लेकिन आप ही के जो खनन वाले वो गलत कह रहे हैं, वो नहीं जान रहे हो खनन पे। हाँ, अब तो भट्टे में खत्म हो गया, एक महीने से लगातार पोकलैंड लगा खनन किया जा रहा है, पोकलैंड और जीसीबी जीसीबी शहरी बासी तस्वीर पड़ता है, शहरी थाने पड़ता है, थाने से 500 मीटर की दूरी पे खनन हो रहा है, ये 14 तारीख से लगातार खनन हो रहा है, जिसकी बाइक लोगों के पास ये मैटर होता है कुछ भी इसमें।